वेलकम टू टेक एक्सपर्ट, स्वागत है आप सभी का साइंस फन और इलेक्ट्रिक की बिल्कुल ही नई दुनिया में। जर्मन कार मेकर कंपनी मर्सिडीज बेंज हर बार अपने कस्टमर को कुछ न कुछ तोहफा जरूर देती है। मर्सिडीज ने थोड़े महीनों पहले विजन एवीटीआर को पेश किया था, जिसने काफी सुर्खियां बटोरी थी। इसी को चलते अब कंपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर हाथ आजमा रही है। मर्सिडीज बेंज ने स्मार्ट ई स्कूटर नाम से एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश किया है, जो दिखने में स्मार्ट और काफी खूबसूरत लगता है। पावर और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस स्कूटर में 4 kWh की इलेक्ट्रिक मोटर और 80 Ah की लिथियम आयरन बैटरी दी गई है, जिसे एक बार फुल चार्ज करके 100 किलोमीटर तक नॉनस्टॉप चलाया जा सकता है। चार्जिंग समय की बात करें तो इस स्कूटर को 3 घंटे के समय में 80% तक चार्ज कर सकते हो। टॉप स्पीड की बात करें तो इस स्कूटर की टॉप स्पीड 45 km/h है। इसके अलावा इस स्मार्ट स्कूटर में स्मार्टफोन डैशबोर्ड दिया गया है, जिसमें डैशबोर्ड के बजाय स्मार्ट एस्कोटर, स्मार्ट ड्राइव किट, फोन ऐप के साथ एक स्मार्टफोन दिया गया है, जिसमें स्पीडोमीटर या रेंज इंडिकेटर जैसे फीचर दिए गए हैं। दोस्तों, इस स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर को शुरू करने से पहले राइडर को स्मार्टफोन को हैंडल बार्स के बीच में विशेष रूप से डिजाइन किए गए माउंट में रखने की आवश्यकता होती है। इस फोन को सेट करते ही ये स्कूटर स्टार्ट हो जाती है। मर्सिडीज के स्मार्ट स्कूटर में इमोबिलाइजर और एंटी थेफ्ट प्रोटेक्शन से लॉक और अनलॉक भी कर सकते हो, यानी इस स्कूटर को चोरी होने का खतरा बहुत कम होता है। इसके अलावा स्मार्ट स्कूटर में स्मार्टफोन डैशबोर्ड में स्मार्ट ड्राइव किट ऐप दी गई है, जो सड़क पर रुकने पर राइडर ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर सकता है। अगर आपको कहीं जाना है तो ये स्मार्टफोन स्कूटर के स्पीडोमीटर के रूप में कार्य करता है, जहां आप रेंज और बैटरी कितने परसेंट चार्ज हुए हैं, नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस ट्रैकिंग जैसी सारी जानकारियां आप इस स्मार्टफोन डैशबोर्ड में देख सकते हो। बाई चांस अगर आप स्कूटर पार्क करने के बाद भूल गए हो तो ये जीपीएस ट्रैकिंग की मदद से आपने स्कूटर कहां पार्क किया है वो आसानी से पता लगा सकते हो। इसके अलावा इस स्कूटर में हीटिंग सिस्टम भी दिया गया है, जिसकी मदद से सर्दियों में हैंडल बार को अच्छी तरह पकड़ सकते हैं। मर्सिडीज बेंज स्मार्ट स्कूटर में 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं और सीट के नीचे हेलमेट रखने के लिए बूट स्पेस भी दिया गया है। स्मार्ट स्कूटर में आगे एलईडी हेडलाइट्स और पीछे एलईडी टेल लाइट्स दी गई है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इस स्कूटर में डिस्क ब्रेक दिया गया है, ताकि इमरजेंसी ब्रेक करना हो तो आप आसानी से ब्रेक कर सके। इसके अलावा इस स्कूटर में एक खास फीचर यह है कि इस स्कूटर में सोलर पैनल दी गई है, जिसे पार्क करते समय चार्ज किया जा सकता है और धूप में ड्राइविंग करते समय इस स्कूटर की रेंज को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी मर्सिडीज बेंज की तरफ से आने वाली अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारी चैनल टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय।